तो हमारे साथ जुड़े हैं बागवानी मंत्री, इनसे भी बातचीत करेंगे। इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब सेब किलो के हिसाब से लिया जाएगा, तो काफी अच्छा फैसला लिया गया है। सर, इसमें बागवानों के एक असमंजस और भी है, बागवान चाहते हैं कि इसमें जो न्यूनतम मूल्य वो तय हो। फलों का न्यूनतम मूल्य जो है किसी भी प्रदेश में नहीं है जी, सिर्फ जो है MIS है, और MIS में भी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस बार बजट में पैसा रखा ही नहीं है। उसके बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना MIS का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखा है जी। अभी आपने बात कही है कि क्रेट में अब जो सी ग्रेड है वो लिया जाएगा, तो सर क्या उसका न्यूनतम मूल्य रहने वाला या एक ही रेट रहेगा, और किस तरह से उसको लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट में किस तरह से वहां पर व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मार्केट याद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक जगह पूरे क्षेत्र से जब सेब वहां पहुंचेगा तो किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर वहां पर। MIS का जो रेट है वो पिछला जो है निर्धारित है, उसी रेट में अभी हम लेंगे, और जो क्रेट में लेना है वो पूरा जो है प्रदेश में एक साथ नहीं लिया जाएगा। हम पायलट के रूप में जो है, जो पराला हमारा प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, इसके कोई 30-40 किलोमीटर के रेडियस में क्रेट से लेंगे, क्योंकि बोरियों में जो सेब लिया जाता है उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं, काफ़ी उसमें भ्रष्टाचार भी होता है और उसमें नुकसान भी बहुत है, तो इसको कम करने के लिए और मार्केट में जो है कल्डे पर ना पहुंचे, प्रोसेस हो जाए ताकि मार्केट में जो अच्छे सेब का दाम ना गिरे, उसकी हम कोशिश करेंगे जी। बागवानों की एक मांग और भी है सर, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था कि अब जो क्वालिटी वाली दवाइयां होगी वही आपको मिलेगी, और सर वो पूर्ण रूप से बागवानों को नहीं मिल पाती है, रसूखदारों को मिलती है, निचले स्तर पर नहीं मिल पाती है, क्या पर्याप्त रूप से वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक दो पैकेट या कुछ एक ऐसी दवाइयां मिल पाती है, पूरी नहीं मिल पाती है, तो क्या व्यवस्था रहेगी सर उसके लिए। ये ठीक है कि मतलब जो दवाइयां हैं वो सब तक पहुंचना चाहिए जी। उसके लिए हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। एक तो हमने अभी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हमने कोशिश की है, और जो भी मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है जो किसान पसंद करते हैं वही ब्रांड हमने इस बार लेने का जो है निर्णय लिया है, और ये भी कोशिश रहेगी कि सभी बागवानों तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, ये कोशिश हमारी है जी। कुछ एक बागवानी की डिमांड है सर, अभी आपने जो फैसले लिए हैं कुछ एक बागवानों को एकत्रित करके लिए हैं, बागवान चाहते हैं कि जो आपका उद्यान विभाग है वहां पर लोग एकत्रित हो, वहां पर हर सुजेशन लिया जाए हर बागवान से, क्योंकि एक रसूखदारों से ही सुजेशन ना लेकर वो फैसले लिए जाते हैं, क्या आगामी सर ऐसा हो सकता है कि सभी को इसमें जितने भी बागवान है उनके यानी के यहाँ पर मत लिए जाए। मैं आपके इस वक्तव्य से जो है सहमत नहीं हूँ, किसी भी जलसा में कोई फैसला नहीं होता है, जो भी फैसला लिया जाता है चुने हुए कुछ लोगों को लेकर। मैंने हिमाचल प्रदेश के जितने भी बागवानों के प्रतिनिधि थे, अलग अलग एसोसिएशन थे, तकरीबन सबको एक बार नहीं, डायरेक्टर लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, फिर आखिर में मंत्री लेवल पे हमने बैठकें की, जिसमें संयुक्त जो एक मोर्चा है किसानों का, किसान मोर्चा है, उनके प्रतिनिधि भी शामिल थे, आड़तियों के भी शामिल थे, तो कहां पर कमी रही बताइए, कभी कोई फैसला क्या कहते हैं आम सभा में होता है कोई जी। सर संयुक्त किसान मोर्चा इस बात से मुकर गया है कि वो किलो के हिसाब से यानी कि 24 किलो मापदंड नहीं लेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ये 24 किलो जो है ऐसा नहीं है, हमने कहा कि सेब जो है वेट के हिसाब से होगा, और यार्ड में मार्केट में जो पैकेजिंग होगा वो 24 से ऊपर ना आए जी, वो मुकर गए हैं सर किसान। नहीं, किसान मेरे नॉलेज में नहीं है कौन मुकरा कौन नहीं मुकरा, जितने बागवानों से मिल रहा हूँ सारे बागवान कह रहे हैं ठीक फैसला हुआ है जी। और जो 24 किलो जो यूनिवर्सल कार्टन है वो यूनिवर्सल कार्टन का मतलब समझते नहीं है, एक समय एक BIS स्टैंडर्ड का एक पैमाना बनाया था जिसमें सेब का MM के हिसाब से और नंबर ऑफ एप्पल्स को लगाकर एक कार्टन में कितने सेब आ सकते हैं, कितना किलो आ सकता है, वो था 24 किलो पहुंचता है, जिसमें कार्टन का वेट भी उसमें शामिल है, तो उसको समझ नहीं रहे वो यूनिवर्सल कोई ऐसा नहीं है कि एक ठप्पा लगाया हुआ है, यूनिवर्सल जो पैकिंग होगा उसमें भी जा सकता नहीं जाएगा, यूनिवर्सल जो कार्टन है उसमें 23.500-600 ग्राम 10 किलो 10% ऊपर नीचे करके वो जाएगा, उसको हमने यूनिवर्सल कहा है, तो पहले तो वो यूनिवर्सल का डेफिनेशन समझे क्या है जी। तब जाके फिर उनको समझ आएगा क्या है, तो मैं जो यूनिवर्सल के बारे में किसानों को भी जो है हम उनको भी सेंसिटाइज करेंगे कि भाई अब जो आपका पैकिंग है स्टैंडर्ड कैसा होगा, कि लार्ज कितने दाने जाएंगे, कितना MM का दाना होगा, वो सारा मिला के उस कार्टन में जब डालेंगे उसका वेट ही उतना आता है,
उसी को हमने यूनिवर्सल नाम दिया है, वो BSI के स्टैंडर्ड से बनाया है, किसी आदमी ने नहीं दिया नाम उसको जी। कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जो है एक पैकेजिंग का स्टैंडर्ड पैमाना बनाया वो है जी। अंतिम सवाल लेना चाहूंगा सर, आपने एक अच्छा फैसला लिया है कि HPMC में अब ऊंचे दाम पर मटेरियल नहीं मिलेगा बागवानों को, तो सर कब से ये लागू हो जाएगा? आपने कहा कि जो सरकार का 15% था उसे 10% हम कम कर देंगे। हाँ, जब हमारी सरकार बनी तो 15% HPMC अपना मार्जिन रखते थे, तो घटा के हमने 5 कर दिया है, और अभी हमारा अभी अब शुरुआत ही है, 100 दिन में हम 10% नीचे आए हैं, शायद हम बराबरी में करेंगे, हम तो किसान फ्रेंडली बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाइफ टाइम टीवी से बात करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, VIPs और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।